करेंगे। और देखिए जनता के बीच जब इन लोगों ने गुमराह किया जनता को, तो कहीं ना कहीं जनता थोड़ी बहुत अगर गुमराह हुई तो यही बीच में हमारी 400 सीटें आनी थी। इस वक्त जो है ये जितने रुझान आ रहे हैं ये नहीं दिखा रहे हैं। 300 भी नहीं छू पाई वो जादुई आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो हमने इन चुनावी जनसभाओं में सुना, इन रैलियों में सुना, 300 का जो जादुई आंकड़ा था वो भी अभी नहीं छू पाई है भाजपा। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि वो भी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब वो इन्होंने इतना गुमराह करने की कोशिश कर ली, कि उसके बावजूद भी ये हाल है। अगर इन्होंने 6 महीने पहले मोर्चे संभाले थे कि 1 साल पहले ना एलडी आपको कहीं नजर आ रही थी इलेक्शन के काम बोर्ड में, ना आपको समाजवादी पार्टी, लेकिन भाजपा पार्टी जो थी वो हमेशा इलेक्शन बोर्ड में रही। भाजपा पूरे 5 साल में उसका काम दिखाती रही, गिनाती रही, जो जो किया वो स्पष्ट करती रही जनता के सामने। और यही रीजन है कि चाहे वो पलायन के मुद्दे रहे हो, चाहे वो सुशासन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जैसे कहते हैं राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, और जो गरीबों को केंद्र की तरफ से 2 साल से राशन दिया वो मुद्दा हो, चाहे वहाँ एम्स बनाए। देखिए मुद्दा कोई भी हो, नया जी मुद्दा कोई भी हो, राम तो सबके हैं। मुद्दा कोई भी हो, राम पर सबका हक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का हक है, राम सबके हैं। बोली चलाने वालों का हक नहीं है, बोली चलाने वालों का हक नहीं है, राम पे सबका हक है, जो उसके भक्त है उनका, जो उनके भक्त है, बिल्कुल जो उनके भक्त है, जो राम को मानते हैं। सही बोल रही है आप। चले राहुल तालान जी का हम रुख करेंगे। राहुल तालान साहब, जो रुझान सामने आ गए हैं, बहुमत जो है भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो उत्तराखंड की हम बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, लेकिन ऐसे में हम ये चीज देख रहे हैं कि 300 का जो आंकड़ा पार करने की बात कर रही थी भाजपा, वो अभी भी रुझानों में अधूरा है। उत्तराखंड में 60 पार का यहाँ पर नारा दिया जा रहा था, वो भी अभी अधूरा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर जो बड़े चेहरे हैं वो भी बहुत पीछे हैं। रुझानों को हम सही मान लें? नहीं, देखिए रुझान मेरे हिसाब से ये अब तो स्टेबल कर जाएंगे, वैसे भी 3:30 बजने वाला है तो स्टेबल रहेंगे ये जो रुझान है, अब थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि बड़े चेहरे पीछे रह गए, देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में तो हरीश रावत जी के साथ गेम हो गया, और अभी धामी जी का पता नहीं है वो हारेंगे या जीतेंगे, उनका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ट्रेल करने का मार्जिन ज्यादा नहीं है, तो वो हो सकता है वो कवर कर लें। अभी उनके मुझे लग रहा है 4 राउंड रह रहे हैं, तो वो देखना होगा। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी की भी बात कर रही है, तो उनका भी अभी मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, वो कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप क्षेत्र में नहीं जाएंगे, देखिए आप मोदी के नाम पे चुनाव बहुत समय तक नहीं लड़ सकते हैं। लास्टली अगर जो बीजेपी को इतना डैमेज हुआ है, कि ये वाला चुनाव भी मोदी जी के नाम पर ही लड़ा गया है, तालान साहब बिल्कुल कोई था ही नहीं। देखिए मोदी यूपी में मोदी जी योगी जी के नाम पे लड़ा गया था, उत्तराखंड में बिल्कुल मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। नहीं, योगी जी तो थे ना, योगी जी तो थे, 5 साल रहे हैं योगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यूपी में मोदी जी और योगी जी के नाम पे लड़ा गया, उत्तराखंड में मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, मणिपुर मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है, गोवा मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है। तालान साहब यहां रुकूंगी, तो बड़ी जानकारी शायद आ रही है, क्योंकि आवाज हमें आ रही है हूटर की, और ये बड़ी खबर लखनऊ कैंट से, बृजेश पाठक चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी की प्रत्याशी है बृजेश पाठक। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों से जुड़ी। प्रयागराज में रेवती रमन सिंह के बेटे चुनाव हारे हैं। प्रयागराज करछना सीट से उज्जवल रमन सिंह हारे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। करछना से सपा के प्रत्याशी हैं उज्जवल रमन सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ कैंट से बृजेश पाठक चुनाव जीत गए हैं, तो मुहर लग गई है जीत की, बीजेपी के प्रत्याशी बृजेश पाठक जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है प्रयागराज में रेवती रमन सिंह के बेटे चुनाव हारे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज करछना सीट से उज्जवल रमन सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। करछना से सपा के प्रत्याशी हैं उज्जवल रमन सिंह, जो कि हार गए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ कैंट से बृजेश पाठक चुनाव जीत गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, पल पल का अपडेट भी लगातार दे रहे हैं। तो लखनऊ कैंट से बृजेश पाठक चुनाव आखिरकार जीत गए हैं। तालान साहब, बृजेश पाठक चुनाव जीत गए हैं,
सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। आप कुछ कह रहे थे? कह रहा था कि यूपी में जैसा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने वो काबिले तारीफ है, रिपीट हो रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन जो 2017 वाला प्रदर्शन था वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है। देखिए डैमेज तो हुआ ही है ना बीजेपी को कहीं ना कहीं, और डैमेज क्यों हुआ है उसका रीजन ये है कि जो प्रत्याशी रहे या जो पिछले विधायक थे वो लगातार अपने एरिया की जो जनता थी उसके संपर्क में नहीं रहे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, और ये ट्रेंड ना बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी का एक खुद का भी नियम है कि भाई 75 साल के बाद रिटायर हो जाना है, तो मोदी जी का रिटायरमेंट का 24 के बाद टाइम आ जाना है, फिर बीजेपी को सोचना पड़ेगा। तो वो उससे बेहतर ये है कि जो भी प्रत्याशी हैं, जो अब जो विधायक चुने जा रहे हैं, वो जनता के लगातार संपर्क में रहें, जनता की समस्याएं उठाएं। देखिए जनता इतनी समझदार हो गई है सोशल मीडिया के दौर में, एक तो उनको ये पता है कि विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है। एक टाइम ये था कि भारत की जनता को यही नहीं पता होता था कि विधानसभा के लिए वोट कर रहे हैं लोकसभा के लिए वोट कर रहे हैं, अब जनता को ये पता है विधानसभा के लिए वोट कर रहे हैं लोकसभा के लिए वोट कर रहे हैं। दूसरा, अब कुछ दिन बाद जैसे जैसे आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो वो भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी जो जनप्रतिनिधि रहेंगे। अगर जो जनप्रतिनिधि अकाउंटेबल नहीं रहेंगे जनता के प्रति, तो उनको बाहर निकाल के जनता 5 साल बाद भेज देगी। ये एक बात देखिए, एक दौर साहब, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि जो बड़ी खबर का हूटर है वो बज रहा है उत्तराखंड से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, 5000 वोटों से पीछे है पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, सुबह से ही काफी पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के भुवन कापड़ी, सीएम धामी से आगे निकले हुए हैं। खटीमा सीट पर 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो अभी ये 6 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हुई है, इसमें धामी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के भुवन कापड़ी युवा चेहरा है और इस सीट को कहीं ना कहीं फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मसूरी से गणेश जोशी की जीत दर्ज हुई है, गणेश जोशी जो है वो जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें तो सुबह से ही पीछे चल रहे हैं, जो यहाँ पर युवा चेहरा है वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। ऐसे में 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, अभी 3 से 4 राउंड होने बाकी हैं। मार्जिन ज्यादा नहीं है लेकिन 5000 भी बहुत होता है। कांग्रेस के भुवन कापड़ी एक युवा चेहरा, यंग कैंडिडेट, और सीएम धामी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 6 राउंड में अभी धामी जो है काफी पीछे, 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भुवन कापड़ी जो है वो काफी आगे है, वहीं मसूरी सीट से गणेश जोशी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। राहुल तालान साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, पुष्कर सिंह धामी का मैं जिक्र कर रही थी। पुष्कर सिंह धामी 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 6 राउंड हो चुके हैं, 3 से 4 राउंड अभी बचे हुए हैं। देखिए, और वो भी एक युवा चेहरे से। देखिए खटीमा में अभी 4 राउंड की गिनती बाकी होनी है, 10 राउंड ने खटीमा में, और भुवन कापड़ी वहां के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उत्तराखंड में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिनमें से एक है भुवन।